जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आइए हम बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट विषय संस्कृत के बारे में कि बीएड और डीएलएड के संस्कृत से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके संस्कृत विषय के फाइनल एग्जाम्स में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संस्कृत से आप क्या समझते हैं या फिर संस्कृत भाषा से आप क्या समझते हैं या फिर संस्कृत भाषा के बारे में लिखिए। तो आप लिखिए कि संस्कृत भाषा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है और संस्कृत सभी प्रकार से संपन्न व सक्षम है और इसका व्याकरण सशक्त है, अतः यह एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में भी स्वीकार की जाती है। ठीक है, अब आइए, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। इसे देवभाषा, देववाणी, सुर भारती व अमृतवाणी की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत भाषा भारत की पहचान है और हमारी सभ्यता और संस्कृति की धुरी है। यह मधुर, सरस, ललित, पवित्र, दोषों से रहित, अमृत तुल्य वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी? संस्कृत। तो अगर आप संस्कृत के बारे में पूछे तो आप इन वाक्यों की लिखिए, एग्जामिनर भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पे लिखा गया। अब आइए, वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत की भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत ही है और हर भारतीयों को इसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। किस भाषा की? संस्कृत भाषा की। चलिए अब इसको एक शब्दों में अगर हम कह दें कि संस्कृत भाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिए कि संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की भाषा, मतलब वह भाषा जो संस्कार रहित हो, जिसमें केवल संस्कार बताए जाते, नॉट केवल, जो केवल संस्कार से नहीं, संस्कार से पूर्ण भाषा है ये, जहाँ पे आदर, प्रेम, सद्भावना, इन सब की बात की जाती हो, वो भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। यह शब्द समपूर्वक कृत धातु से बना है, अर्थात जिस भाषा में संस्कारों का समावेश है या जो भाषा संस्कारित करने में सक्षम है, वही भाषा संस्कृत कही जाती है। समझ आ गया दोस्तों? चलिए बहुत सही। अब आइए बात करते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा की विशेषता की या संस्कृत भाषा के महत्व की। ठीक है, तो संस्कृत में उत्कृष्ट कोटि की साहित्य की रचना की गई है। अब और कोई क्या कहे, जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ, महाभारत, गीता, उपनिषद, ये सारी चीज़ों की जब संस्कृत में रचना की गई तो इसकी महत्व की क्या बात की जाए। हिंदू धर्म के समस्त वेदों ग्रंथों का निर्माण संस्कृत भाषा में हुआ है। वेद व ग्रंथ की उत्पत्ति देवताओं तथा ऋषि मुनियों के माध्यम से मानी जाती है, इसलिए संस्कृत भाषा को देववाणी के नाम से विख्यात है। संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों? देववाणी भाषा कहते हैं, देवों की भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा में पवित्र, प्रभावशाली, अपार शक्तियों से युक्त मंत्रों का समाहार है। जो भी वो मंत्र हैं वो किस भाषा में? वो संस्कृत भाषा में। और ये पूरे मंत्र क्या हैं दोस्तों? पवित्र हैं, प्रभावशाली हैं, अपार शक्तियों से युक्त हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में शब्द निर्माण की अद्भुत क्षमता होती है। संस्कृत भाषा अपने मूल स्वरूप में वैदिक काल से ही संगीतमय रही है। संस्कृत भाषा संगीतमय रही है दोस्तों। चलिए अब कुछ और प्रश्न को, एक विवाद होता है और कहा जाता है कि हम संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या मत दिए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था, नंदन जी ने कहा था कि देखिए, व्यक्तिगत मैं सहमत हूँ कि संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यदि लोग अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा सीख सकते हैं तो वे संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते, जो हमारी प्राचीन भाषा है। तो उन्होंने ये तर्क दिया था। ठीक है, और अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। अच्छा, प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आप किसी बच्चे को प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं तो उस पर संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को इस योग्य बनाना कि वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए सरल गद्य खंडों को शुद्ध शुद्ध पढ़ सके, महत्वपूर्ण श्लोक को कंठस्थ करने की प्रेरणा देना और श्रुतिलेख लिखने का अभ्यास करना और मातृभाषा के सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद योग्य बनाना और विद्यार्थियों को सरल श्लोकों के शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना। तो ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, मतलब कौन कौन से ऐसी विधियाँ हैं जिन के विधियों के आधार पर संस्कृत को पढ़ाया जा सकता है। पाठशाला विधि, भंडारकर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि और योजना विधि और विचार विमर्श विधि, इसको वाद विवाद विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो विधियां हैं जिससे संस्कृत भाषा क्या की जाती है? पढ़ाई जाती है। चलिए, संस्कृत शिक्षण से संबंध पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या उद्देश्य है?
मतलब संस्कृत जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं उसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के शब्द भंडार का विकास करना, छात्रों में संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और छात्रों को शुद्ध उच्चारण के प्रति सजग करना और छात्रों में कल्पना तर्क एवं निरीक्षण की शक्ति का विकास करना। ठीक है, चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है कि मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों का खोज करना और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। ठीक है, ये क्रियात्मक अनुसंधान का सदुद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इसका क्रियात्मक अनुसंधान क्या है दोस्तों, मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों का खोज करना, ठीक है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये हो गई क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। अब आइए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए चार प्रमुख कौशल होते हैं, चार प्रमुख स्किल होते हैं। वो कौशल कौन सा, सुनना। किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं ना, तो आपको उस भाषा को सुनना पड़ेगा, उस भाषा को बोलना पड़ेगा, उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा, उस भाषा को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भिन्नताएं बालक में पाई जाती हैं। कुछ छात्र अति शीघ्र विषय वस्तु समझ लेते हैं और कुछ एक की समझ में विषय वस्तु देर से आती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता यही है कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चों में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा में ध्वनि उपयोगिता के दो कारण। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे ध्वनि नहीं, ध्वनि शिक्षा की बात की जा रही है। इंग्लिश में इसको हम फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स। ठीक है, जहाँ पे हम ध्वनि शिक्षा के बारे में बताते हैं, शब्दों को कैसे उच्चारण करना है उसको बताते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में ध्वनि शिक्षा। ठीक है भाई, तो ध्वनि शिक्षा के दो उपयोगिता बताना है। ठीक है, चलिए, भाषा एक व्यवस्था है जिसे ध्वनि उसके रूप में वाक्य एवं प्रतीकों में से ही जाना जाता है। जैसे भाषा एक व्यवस्था है जिसे ध्वनि उसके रूप वाक्य व प्रतीकों से ही जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा की व्यवस्था को जानने के लिए ध्वनि शिक्षा अनिवार्य है। ध्वनि शिक्षा क्यों अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृत ध्वनियों का उच्चारण वर्तनी प्रायः एक सी है। जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, अतः उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता हेतु संस्कृत ध्वनि का ज्ञान अत्यंत ही अनिवार्य है। मतलब क्या है कि आपको उच्चारण कैसे, ध्वनि शिक्षा से आपको ये बताया जाता है कि किस शब्द को, किस वाक्य को, किस अक्षर को कैसे बोलना है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, हम इसको कहते हैं ठ। ठीक है, हिंदी में हम इसको ठ पढ़ते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण हम ठ आसानी से कर लेते हैं, लेकिन पता है आपको इस ठ का उच्चारण इंग्लिश में कहीं नहीं है। जो ब्रिटिश होते हैं ना, जैसे ए बी सी करते, वो ठ का उच्चारण नहीं जानते। अब मैं आपसे कह दूं कि ठाकरे को ठन ठन की आवाज़ पसंद नहीं। ठीक है, ठाकरे को ठन ठन की आवाज़ पसंद नहीं। इसी चीज़ को अगर कोई ब्रिटिश कहेगा तो वो ठ बोलना ही नहीं जानता, वो कैसे कहेगा। वो कहेगा ताकरे को तन तन की आवाज़ पसंद नहीं, वो ऐसे बोलेगा। वो कहेगा ताकरे को थन थन की आवाज़ पसंद नहीं, ऐसे बोलेगा। मतलब ठ उच्चारण उनको नहीं आता। तो ध्वनि शिक्षा के माध्यम से हमें बताया जाता है कि कौन से अक्षर या कौन से शब्द का उच्चारण कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत से। अब आइए, व्याकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा कि व्याकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, व्याकरण छात्र को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने तक की योग्यता प्रदान करता है। व्याकरण केवल वाक्य संरचना का वर्णन करता है। व्याकरण शब्दों के प्रयोग का अनुशासन तथा नियंत्रक है, इसलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण भाषा का अंग रक्षक है। ठीक है, ये इसकी रक्षा करता है। तो व्याकरण के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, या फिर इसको नहीं लिखिए, मैं अपनी दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ा था कि व्याकरण से आप क्या समझते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध उच्चारण करना सिखाती हो। या व्याकरण वह विद्या है जो शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध सुनना इनकी ज्ञान कराता हो, ऐसी विद्या को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब आइए, गद्य शिक्षण की प्रक्रिया के आरंभिक चार पदों के रूप में लिखिए। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, उद्देश्य, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। अब आइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि आप जब गद्य की शिक्षण देते हैं तो उसके आरंभिक चार पद कौन कौन से। तो सबसे प्रारंभिक बिंदु, मतलब आपको ये देखना है कि हमें पढ़ाना कहाँ है। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। ठीक है, उसके बाद आप क्या उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं और सहायक सामग्री, कौन सी सहायक सामग्री होनी चाहिए और बच्चे का पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, शिक्षण प्रक्रिया के आरंभिक चार पदों की क्रामिक रूप। ठीक है, चलिए, अब काव्य शिक्षण की विधियाँ। अब जब काव्य पढ़ाएंगे, अच्छा सेम चीज़ को हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी के सवाल में भी आपसे पूछता है कि काव्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, तो गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अभिनय प्रणाली, समीक्षा प्रणाली,
तुलना प्रणाली, खंडाव्य प्रणाली, खंडाव्य खंड काव्य होना चाहिए, खंड काव्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और व्यास प्रणाली, ठीक है। तो ये हो गया आपके काव्य शिक्षण विधियों की शिक्षण प्रणाली, ठीक है। चलिए अब एक आपसे सवाल पूछता है कि संस्कृत नाटक शिक्षण का उद्देश्य बताइए। संस्कृत में लोग नाट्य कला करके भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये क्या है कि व्यक्ति व समाज का मनोरंजन करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नाटक के तौर पे ही देखिए, महाभारत को की बात करें या रामायण की बात करें, तो रामायण को पढ़ के कितने लोगों ने जाना है और रामायण के नाट्य रूपांतर टीवी में देख कर या कहीं देख कर कितने लोगों ने जाना है, ठीक है, बहुत लोगों ने जाना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहा गया कि व्यक्ति वो समाज को सबसे पहले तो मनोरंजन के साथ शिक्षा प्राप्त होती है। छात्रों को अभिनय कला का भी ज्ञान होता है, मानव प्रकृति एवं चरित्र के में से छात्रों को परिचित कराना होता है और छात्रों को चिंतन, प्रश्न उत्तर, वार्तालाप, भाषण, कथोपकथन आदि अवसरों पर प्रभावतात्मक ढंग से अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर देता है। क्या? नाट्य शिक्षण। चलिए बहुत सही। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की चार विशेषताएं बताइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा मतलब जिनको वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब जिनको बहुत व्याख्या करके, अब आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न, जी हाँ उसी की तो बात की जा रही है। बहुविकल्पी प्रश्न की चार विशेषताएं बताइए। तो पहले तो विश्वसनीयता होती है कि इन चारों में से एक विकल्प सही होगा, ठीक है। चलिए, और वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और व्यवहारिकता होती है। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। अब आइए संस्कृत शिक्षण के पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है। आप जब संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक किताब की क्या आवश्यकता है, आपके पाठ्य पुस्तक की जरूरत क्या है। तो देखिए भाई, जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है कि देखिए, पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। पाठ्य पुस्तक से पठित पाठ को पुनःस्मरण मतलब दोहराने, याद करने में भी, रिविजन करने में भी प्रबल क्या होता है, हमें सहायता मिलता है। तो ये एक प्रबल साधन है, ठीक है। यह वह साधन है जो भाषा शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में साधन बनता है और छात्रों को गृह कार्य देने में पाठ्य पुस्तक सुविधाजनक होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक और प्रश्न देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की प्रमुख विधियों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। साक्षात्कार विधि, कर्म निर्धारण विधि, अभिलेख विधि, प्रभावशाली विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक विधि और परीक्षण विधि, परीक्षा विधि। ये क्या है, मूल्यांकन की विधियाँ हैं। अब आइए, क्रियात्मक अनुसंधान हमने पढ़ा, उस क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, ठीक है। तो समस्या की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उसको पहचानना, ठीक है। उसके बाद समस्या की परिभाषा करना और उसे परिसीमित करना, समस्या के संबंध कारणों का विश्लेषण करना कि बच्चों में ऐसी समस्या क्यों आई, समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक परिकल्पना की रचना करना, रचित क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना और क्रियात्मक प्रकल्पना के विषय में निर्णय लेना एवं निर्णय का आधार खोजना। चलिए अब लास्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ योजना क्या होती है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में विभिन्न शिक्षण क्रियाओं के क्रमबद्ध उपागम पाठ्य योजना है, मतलब आप पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसकी एक योजना बनाना ही क्या हो जाता है, पाठ योजना होता है। अब आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि संस्कृत गद्य की शिक्षण में आवश्यक सहायक सामग्री क्या होता है, क्या क्या सहायक सामग्री होती है। तो पहले श्यामपट मतलब श्यामपट, सुधा खंड, संकेत इष्टि, श्लोकाकित दृढ़ गर्दम और चित्रम, ये वो सहायक सामग्री है जिसकी सहायता से आप संस्कृत गद्य शिक्षण पढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक अंतिम प्रश्न हम और देख लेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्वयं से करिएगा। उत्कृष्ट संस्कृत पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करिए, मतलब जो बेस्ट जो संस्कृत की किताब होगी, उत्कृष्ट जो पाठ्य पुस्तक होगी, उसकी विशेषताएँ क्या होनी चाहिए। तो देखिए, वो जो पाठ्य पुस्तक है ना, वो अनुभवी एवं संस्कृतज्ञ शिक्षक द्वारा लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लिख दे, ठीक है। तो वो अनुभवी और संस्कृतज्ञ शिक्षक के द्वारा लिखी होनी चाहिए। अनुभवी शिक्षक ही अपने अनुभव के आधार पर पाठ्य पुस्तक को पाठ्य पुस्तक में व्यवस्थित रूप से उपस्थित कर सकता है। चलिए, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री हो, वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसे जो जिस स्तर का बच्चा हो उस स्तर, ऐसा नहीं कि आप पहली क्लास के बच्चे को दसवीं क्लास का लिख दे रहे हैं, नहीं, उसकी स्तर के आधार पर। चलिए, रोचक, भाषा सरल, स्पष्ट तथा पाठ्य वस्तु छोटी इकाई में विभक्त हो, प्रत्येक पाठ के अंत में सारांश की अपेक्षित एवं उपयोगिता है। प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं प्राकरण संबंधित हो, जिनका भाव छात्र को समझ सके, और पाठ्य पुस्तक में आवश्यकता अनुसार चित्र रेखाचित हो, ठीक है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक में अच्छे कागज का उपयोग किया गया हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, ठीक है, जिल्द बहुत मोटे ना हो। पाठ्य पुस्तक के अक्षरों की टाइप का कक्षा के स्तर के अनुसार हो, जैसे छोटे बच्चा के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, ठीक है, जो उसको साफ दिखे। पाठ्य पुस्तक में औषधि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती या त्रुटि नहीं होनी चाहिए,
और अशुद्धि, सॉरी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तक में समस्यात्मक कार्य के लिए भी योजना होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जो विद्यार्थी को अन्य सहायक पुस्तकों को पढ़ने की भी प्रेरणा दे। तो ये हो गया दोस्तों एक उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की विशेषता। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये सारे प्रश्न लाए गए हैं संस्कृत शिक्षण से, और भी ऐसे 2-3 और वीडियो करेंगे और आपका पूरा विषय आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए मत, परीक्षा तक हम आपके साथ हैं, बिल्कुल इस वीडियो ऐसे ही पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे, बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपको बताना पड़ेगा इस बार, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया गया है और इस तरह के प्रश्न संस्कृत के, खासतौर पर संस्कृत के प्रश्न बहुत कम अवेलेबल हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, अगर पसंद आई हो तब कोई जबरदस्त नहीं, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और अब सब्सक्राइब करिए, और आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है, चाहे कुछ भी हो आपको शेयर करना है और उसको बोलना है कि तुम भी देखो इसको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आपने देखा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में और अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों।